बोलिए स्टार्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज देखिए, आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का जो सवाल है उसका हम लोग जो है आंसर देख रहे हैं, क्या आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन जो है 2022 का जो है क्वेश्चन पेपर है जिसका हम लोग सलूशन तैयार कर रहे हैं, आप लोग भी अपना जो है क्वेश्चन लेके इसका जो है आंसर क्या करिए, मिलाइए। चलिए एक सवाल है, पूसा सुभरा इज ए वैरायटी ऑफ, पूसा सुभरा एक किस्म है, तो ये फूल गोभी का एक किस्म है। इसमें जो है हम लोग कॉलीफ्लावर जो है, जो लोग कॉलीफ्लावर चेके हैं उसका ठीक है। दूसरा सवाल, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लॉयड गेहूं होता है ना, 6N हेक्साप्लॉयड गेहूं है, उसमें गुणसूत्र की संख्या जो है 42 होता है। इसके बाद में शरीर में ADA उत्पादन का स्थल है, शरीर में ADA उत्पादन का स्थल है लिम्फोसाइट। हम लोग जीन क्लोनिंग पढ़ रहे थे, जीन थेरेपी पढ़ रहे थे, वहाँ पर हम लोग क्या किए थे, एक 4 वर्षीय लड़की जो थी उसमें ADA का जो कमी हुआ था, तो उसमें हम लोग वेक्टर के रूप में जो है रेट्रोवायरस को लेकर लेम्फोसाइट में क्या किए थे, ऐड किए थे, जोड़े थे। इसलिए साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ADA जो है बॉडी का कौन होगा, लिम्फोसाइट से ADA जो एक प्रकार का एंजाइम है, इसकी ये एंजाइम जो है प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए क्या है, रोगरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। चलिए एक अगला सवाल है, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो है वात स्फीति के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है, इम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट के लिए उसका यूज किया जाता है। हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है, हाइब्रिडोमा टेक्निक के द्वारा हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, जो एंटीबॉडी हाइब्रिडोमा टेक्निक से प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं। नेक्स्ट सवाल ऐसा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है, तो ऐसे जो है मीथेन के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा जो है मीथेनोजेंस जो बैक्टीरिया है वो कैटल्स के आंत में रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी धान के खेत, दीमक, पशु, ये सभी जगहों पर मीथेन्स का क्या होता है, उत्पादन होता है, भले रेशियो क्या होता है उसका, कम होता है ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सभी जो है मीथेन के उत्सर्जन में क्या करता है, अपना जगह स्थल प्रदान करता है। अगला सवाल जो है,
कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है, तो न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा न्यूक्लिक अम्ल को जो है खंडित किया जाता है। थोड़ा भी अगर आप लोग सीखे होंगे तो आपको बताया गया है कि ये एसिड जहाँ लगा रहेगा वो एंजाइम होगा, और न्यूक्लिक एसिड को मतलब डीएनए और आरएनए को खंडित करने के लिए न्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख और व्हेल के फ्लिपर्स, ह्यूमन हैंड विंग्स ऑफ बर्ड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको अभिव्यक्त करते हैं, तो क्या हो जाएगा, होमोलोगस ऑर्गन समझात अंग को जो है निरूपित करता है, क्योंकि इन सारे रचनाओं का जो है संरचना क्या है, एक है, उत्पत्ति भी एक है, भले कार्य क्या है सबके अलग अलग हैं, इसी को तो हम लोग होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, पीसीआर तकनीक के दौरान एसएस डीएनए से प्राइमर्स के बंधने की क्रिया को क्या कहते हैं। ड्यूरिंग पीसीआर टेक्निक द पेयरिंग प्राइमर्स टू एसएस डीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड, ए प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, एनेलिंग बोल रहे थे, तपानुशीतन, एनेलिंग के द्वारा क्या करते हैं हम लोग प्राइमर्स को क्या करते हैं डीएनए के साथ क्या करते हैं जोड़ते हैं, एनेलिंग प्रोसेस कहलाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन आरडीटी का साधन नहीं है। आरडीटी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के लिए वेक्टर की ज़रूरत है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ज़रूरत है, पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत है, इंट्रॉन्स की ज़रूरत। इंट्रॉन्स का मतलब होता है कि डीएनए का छोटा सा खंड जिस पर कोई कोड नहीं पाया जाता हो उसको इंट्रॉन बोलते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है, एंजाइम टैग पॉलीमरेज ऑब्टेन फ्रॉम, तो आप लोग पीसीआर में पढ़े थे कि पीसीआर में जो है टैग पॉलीमरेज का यूज किया जाता है, जिसको थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है कि एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, एमनियोसेंटेसिस जो है एक टेक्निक है, जिस टेक्निक्स के द्वारा यूट्रस से क्या किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड हाइपोडर्मिक नीडल के द्वारा क्या किया जाता है, निकाल कर उसका एनालिसिस करते हैं, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड का क्या है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस में हम किसका विश्लेषण करेंगे, एमनियोटिक द्रव को यूट्रस से हाइपोडर्मिक नीडल के द्वारा बाहर निकाल के उसका एनालिसिस करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड का एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। एजोला जो है एक्वेटिक फर्न है, ये जो है एनाबेना के साथ क्या करता है, अपना सहजीविता का संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। टैपेटल कोशिका दर्शाती है, टैपेटल कोशिका जो है आपको एंडोमाइटोसिस और बहुगुणिता को दर्शाता है। इसके बाद में
गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, व्हाट इज फॉर्म फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल क्या बनाएगा, मेगा स्पोर बनाएगा। चलिए, मादा जंतु जिसमें मद चक्र होता है, मद चक्र माने ईस्ट्रस साइकिल, मद चक्र का मतलब क्या होता है, ईस्ट्रस साइकिल। और आपको जो है बताया गया है, मैंने आपको जानकारी होना चाहिए कि ईस्ट्रस साइकिल जो है कैटल्स में होता है, मवेशी में होता है, इसलिए यहाँ पर मवेशी कौन, काऊ, गाय में जो है क्या होगा, ईस्ट्रस साइकिल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शुक्राणु की एक्रोसोम का निर्माण होता है, एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है, स्पर्म एक्रोसोम, स्पर्म के हेड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम कहते हैं, और ह्यूमन स्पर्म का हेड एक्रोसोम, उसका निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, माने प्लासेंटा, अपरा, प्लासेंटा का, अपरा का निर्माण जो है मुख्य रूप से कोरियोन करता है, लेकिन कोरियोन के साथ एलेंटोइस भी होता है ना, जो उसमें ब्लड वेसल्स को बनाता है, रक्त नली को बनाता है, इसलिए प्लासेंटा के निर्माण में कोरियोन के साथ एलेंटोइस भी भाग लेते हैं। चलिए अगला सवाल, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मतलब पुष्पीय पौधा में मेल गैमिट इज फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ जेनरेटिव सेल। चलिए आपको जानकारी होना चाहिए कि माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनता है, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मीन्स पोलन ग्रेन्स, इसी पोलन ग्रेन्स के अंदर जो है दो तरह का सेल बनता है, एक बड़ा और एक छोटा, तो इस छोटे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनरेटिव, जेनरेटिव सेल, और एक बड़ा जो सेल वाला पार्ट हो गया वो क्या होता है, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव सेल, और यही जेनरेटिव सेल आगे जो है डिवाइड करके दो मेल गैमिट्स का निर्माण करता है। ये जब हम लोग मैचुरेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, मैच्योरिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स पढ़े थे तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं इस बात को कि जेनरेटिव सेल मेल गैमिट का निर्माण करता है, तो वहीं तो सवाल किया है कि इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट मेल गैमिट इज फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ, तो जेनरेटिव सेल। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लांट्स इन द लाइनिंग ऑफ यूटरस, तो ब्लास्टोसाइट्स जो है क्या करता है, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट जो है इम्प्लांट करता है। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। अभी जो हम लोग देखे थे एमनियोसिंथेसिस वाला, वो ए यूट्रस है ना, इसी यूट्रस के अंदर क्या होता है, कैविटी बनता है, एमनियोटिक कैविटी, और इसी एमनियोटिक कैविटी के अंदर एक द्रव भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, और इसी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर भ्रूण जो है गर्भ क्या रहता है, फीटस जो है, इम्ब्रायो जो है इसी के अंदर सुरक्षित रहता है, तो एमनियोटिक गुहा के अंदर मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल,
मनुष्य के विकास की आयु की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? ठीक है, तो मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? एज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन इज मेजर्ड बाई, चलिए ऐसे तो कई टेक्निक्स हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इफेक्टिव कौन है? रेडियो एक्टिव डेटिंग, रेडियोधर्मी दिनांकन, रेडियोधर्मी डेटिंग। नेक्स्ट सवाल है डायनासोर। सबको पता है कि डायनासोर क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। वो सांप की जाति है, रेप्टाइल से सरीसृप है, इसीलिए विलुप्त सरीसृप हो जाएगा, एक्सटिंक्ट रेप्टाइल होगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, ये थोड़ा सा अगर कोई बच्चा अगर इस पर थोड़ा ध्यान दे तो बना सकता है। चलिए उसके बाद में क्या है, सीनोयोइक युग मॉडर्न एज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मैमल्स के लिए जो है, सीनोजोइक युग किसके लिए है, स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों के लिए जो है, एज ऑफ मैमल्स एंड मॉडर्न फ्लोरा के लिए क्या है, सीनोजोइक ईरा है। चलिए इसके बाद में अगला सवाल है, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, आरएनए से जो डीएनए बनता है, आरएनए यहाँ आरएनए है, आरएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है, उल्टा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से क्या होता है, डीएनए बनता है, और ऐसे डीएनए को हम लोग सीडीएनए बोलते हैं। सीडीएनए माने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो वहीं तो सवाल पूछा है कि आरएनए से जो डीएनए बनता है, डीएनए फॉर्म फ्रॉम आरएनए, आरएनए से जो डीएनए बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। चलिए नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है। तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया मतलब पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए कौन सा एंजाइम है? तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम। पीसीआर में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? तो टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज एंजाइम पीसीआर में यूज किए जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, टैग पॉलीमरेज। चलिए अब है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, क्वांटिटेटिव ट्रेट इन ह्यूमन। तो क्वांटिटेटिव ट्रेट इन ह्यूमन जो है, स्किन कलर, स्किन कलर, हाइट, इंटेलिजेंस जैसे ह्यूमन कैरेक्टर्स किसके लिए हैं, किसके उदाहरण है, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव रेट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है एलील, ये एलील की परिभाषा ही है, जीन जो है युग्म विकल्पी, क्या है, एलील को हम लोग इसी तरह से डिफाइन करते ही हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलील। चलिए अगला सवाल है, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? रेशम के धागे में फिब्रोइन, कौन सा फिब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है, फिब्रोइन प्रोटीन। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है हम लोग का कि लाइसिन युक्त शक्ति रेटिन तथा प्रोटीना किसकी किस्में हैं? तो ये जो है मक्का के किस्म है,
ये सब मक्का के किस्म है जिसमें उच्च मात्रा में लाइसिन पाए जाते हैं, तो लाइसिन युक्त शक्ति रेटिन और प्रोटीना जो है मक्का की जाती है। चलिए, पेनिसिलियम उत्पादित करता है मीटोस्पोर, मियोस्पोर, जूस्पोर, ई और सी दोनों। तो चलिए यहाँ पर मीटोस्पोर और मियोस्पोर, पेनिसिलियम में दोनों तरह के जो है स्पोर उत्पन्न होते हैं, और यहाँ दिया है आंसर ए और सी, ए और सी, ये दोनों इसका जो है आंसर होगा ए और सी, क्योंकि ये पेनिसिलियम का जो स्पोरिक रिप्रोडक्शन है तो उसमें दोनों तरह के स्पोर्स बनते हैं, मीटोस्पोर्स और मियोस्पोर्स। तो वही पूछा है तो हम लोग का, चूँकि सवाल ए और सी तो न इसको चेकेंगे न इसको चेकेंगे, हमारा सवाल हो जाएगा, सवाल का जवाब ए और सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, निषेचन आंतरिक होता है किसमें जो है, तो आपको जानना चाहिए कि इस तरह का सवाल मिले तो आपको जानना चाहिए कि जितने भी शार्क हैं, जितने भी समुद्री मछलियां हैं, जितने भी शार्क हैं समुद्री मछली, सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो शार्क जहां भी मिल जाए आप सीधे इंटरनल फर्टिलाइजेशन आंतरिक निषेचन में च्वाइस लगा दीजिए, बाकी स्टार फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इकाइनोडर्माटा में, हड्डीदार मछली बोनी फिशेज में क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ एम्फीबिया में भी क्या होता है एक्सटर्नल होता है। तो ये उभयचर, हड्डीदार मछली, तारा मछली, ये तीनों में जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो ये वो बच गया अपना शार्क। सभी शार्क, सभी शार्क में क्या होता है आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जितनी भी समुद्री मछलियां हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, तो यह शार्क हो जाएगा। अगला है, विभिन्नता का मुख्य स्रोत है, विभिन्नता का वेरिएशंस, मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन, विभिन्नता का मुख्य सोर्स कौन है, तो म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के कारण ही विभिन्नताएं आते हैं। तो विभिन्नता का, वेरिएशन का अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो क्या है, म्यूटेशन। चलिए एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे है कि कॉपर टी का क्या कार्य है, तो कॉपर टी का मुख्य रूप से जो है निषेचन को रोकना, स्टॉप फर्टिलाइजेशन कार्य है। चलिए अगला सवाल है, जननांग मसा निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है, जननांग मसा जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल, जेनाइटल वार्ड्स जो है एक प्रकार का एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, चलिए वेनेरियल डिजीज है। तो ये जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। तो यहाँ पैपिलोमा विषाणु क्या किया है, दिया हुआ है च्वाइस, इसलिए क्या च्वाइस हो जाएगा, डी नंबर का पैपिलोमा विषाणु। चलिए उसके बाद में यही जेनाइटल वाट स्प्रेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पैपिलोमा वायरस, ये डी पैपिलोमा वायरस। चलिए अगला सवाल हम लोग का है कि डीएनए पुनर्योजक तकनीक उपयोग करता है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूजेज, तो क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस और डीएनए लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन डीएनए लाइगेज, जेल वैद्युत कण संचलन, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, माने सभी टेक्निक का यूज जो है कौन करता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिस्ट जो है इन सारे टेक्नोलॉजी के यूज करता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस
इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, आनुवंशिक अभियंत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो इसका जो है एक्यूरेट सही आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन, इंसुलिन के, इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो है बनाया गया और उसे इंसुलिन तैयार किया गया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। चलिए अब अगला जो है सवाल हम लोग का है कि कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? व्हिच वेक्टर कैन क्लोन ओनली ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए? तो प्लाज्मिड अपना है, एकदम आप लोग पढ़े हैं प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर जो है क्या कर सकता है, क्लोन जो है कि स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या कर सकता है, क्लोन कर सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सिरा उत्पादित करता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूसेज ब्लंट इंड्स? तो ब्लंट इंड्स में जो है इको आर भी जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो ब्लंट इंड तैयार करता है, बाकी ये जितने भी हैं ये सभी जो है एसटिकी इंड तैयार करते हैं, एसटिकी इंड तैयार करते हैं और वो ब्लंट इंड तैयार करते हैं। तो सही जवाब क्या हो गया, इको आर भी जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो ब्लंट इंड तैयार करता है और बाकी जो है एसटिकी इंड जो है तैयार करता है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी के जितने भी एनिमल्स प्लांट्स ऑर्गेनिज्म हैं सबको हम लोग उसके नेचुरल प्लेस में ही रहकर जब उसका कंजर्वेशन करते हैं तो वो इन सीटू कंजर्वेशन होता है, जिसमें जो है एक बोटेनिकल गार्डन वनस्पतिक उद्यान जो है इसकी एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए वनस्पतिक उद्यान जो है इक्स सीटू में चला जाता है ना। तो बाकी ये तीनों क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सैक्रेट ग्रोव, ये सभी जो स्थान है इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स है, जहाँ पर हम किसी जीव को उसी के स्थान में रख के हम क्या कर सके, उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं। इसलिए कौन नहीं पूछा है इन सीटू कंजर्वेशन में, तो बोटेनिकल गार्डन इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हुलॉक गिबन पाया जाता है, ये हुलॉक गिबन जो है ये भारत में ही केवल पाया जाने वाला जो है ये जाति है ना, गिबन है, एप्स की जाति है, लंगूर की जाति है, जो काजीरंगा जो है बर्ड सेंचुरी, काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में जो है पाया जाता है, काजीरंगा जो आसाम में स्थित जो है, हाँ अभ्यारण्य है, वहाँ पर गिबन जो है पाया जाता है, हुलॉक गिबन, काजीरंगा बर्ड सेंचुरी। चलिए अगला है, एंटीलोप सेर्विकाप्रा एंटीलोप सेर्विकाप्रा जो है ये क्या है? तो एक वनरेबल स्पीसीज है ना, सफेद प्रजाति, कहने का मतलब है कि ये भविष्य में इन माने संकटग्रस्त है, भविष्य में इसको विलुप्त होने का शंका है, लेकिन लोग अभी जो है
अभी इसके बारे में कोई प्रोटेक्शन तैयार नहीं किया है, कोई इसके बारे में अभी सोचा नहीं है कि इसको कैसे बचाया जाए, तो उसी को हम लोग वल्नरेबल स्पीसीज बोलते हैं। सुविध बने ये भविष्य में जो है विलुप्त प्राय हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं, इसकी संख्या कम हो रही है, लेकिन इसके जो है प्रिजर्वेशन के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए अभी कोई बात सोचा नहीं गया है, अभी इसके बारे में कहा नहीं गया है। चलिए, तो उसी में से एक एंटीलोप जो है, सेरिभिकैपरा जो है, एक एंटीलोप है जो वल्नरेबल स्पीसीज के लिस्ट में है। चलिए अगला सवाल है, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं, तो वल्नरेबल, थ्रेटेंड, इंडेंजर्ड, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाता है कि रेड डाटा जो बुक है उसमें सभी तरह के जातियों को जो अभी संकट निष्ट भविष्य में संकटग्रस्त होने को है, लेकिन उसके संरक्षण के बारे में अभी सोचा नहीं गया है, या फिर थ्रेटेंड है, या फिर इंडेंजर्ड जो भविष्य में क्या है विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन उसके बारे में प्रिजर्वेशन किया जा रहा है, वो इंडेंजर्ड हुआ। सभी तरह के जातियों का जो है एक लिस्ट, एक किताब तैयार किया गया है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। उसमें सभी तरह के जो है जातियों को जो है लिस्ट किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला सवाल है कि विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, विश्व संरक्षण दिवस 3 दिसंबर को जो है विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन, ए स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द ब्लड इज कॉल्ड सेरोलॉजी। ये सेरोलॉजी है, सेरोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, एंटीजेंस और एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बीच जो स्टडी किया जाता है उसको हम सेरोलॉजी बोलते हैं। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है, तो इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा लेप्रोसी कुष्ठ रोग कोड होता है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का जो है क्या है एक पेयर है, तो इसमें जो है ए खसरा और रेबीज क्या हो जाएगा, इसका अच्छा सेटिंग हो जाएगा, जो वायरल जो है पेयर डिजीज है। चलिए अब अगला सवाल है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है, कार्बन मोनोऑक्साइड मेजर पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर, वायु का जो है एयर का क्या है पोल्यूटेंट जो है, एयर पोल्यूटेंट का बेस सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है, तो इसमें डीडीटी और पारा दोनों जो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के लिए जिम्मेवार है, तो इसमें हो जाएगा बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है, मोस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स इज जीन म्यूटेशन। क्या होगा, जीन म्यूटेशन जो है, जीन उत्परिवर्तन रेडियो एक्टिव है प्रदूषक का सबसे बड़ा क्या है प्रतिकूल प्रभाव है। चलिए अगला सवाल है, हीरोइन इज, तो हीरोइन क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन है जो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। हम लोग जो है अफीम के पौधा से मॉर्फिन तैयार करते हैं,
और मॉर्फिन का जब एसिटाइलेशन करते हैं तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन तैयार होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीरोइन बोलते हैं। तो हीरोइन क्या हो जाएगा, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। चलिए नेक्स्ट सवाल है, डी ऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है, बोथ डी ऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू सेम क्लास ऑफ शुगर आर कॉल्ड ए पेंटोज शुगर है। क्या है, पेंटोज शुगर है। राइबोज और डी ऑक्सीराइबोज डीएनए और आरएनए में पाया जाता है, वो क्या है, पेंटोज शुगर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा, इसके द्वारा जो है थ्री डाइमेंशनल स्ट्रक्चर देखा जाता है। एटम का भी हम लोग, एटम की दूरी को भी हम लोग इसे देख लेते हैं, जिसे न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की व्यवस्था का अध्ययन करना आसान हो जाता है। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की व्यवस्था को देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल, जब डीएनए के एक बिगलन टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री सी पर रखा जाता है तब क्या हो जाता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका विकुंडलन हो जाता है, 10 लाख टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, आरएनए में बदल जाता है। तो आपको सोचना चाहिए, इसके लिए आपको पीसीआर जो लड़का पढ़ा होगा उससे ये कई सवाल इसमें बन जाने वाला है। जैसे डीएनए ऐसे क्वाइल होता है, डीएनए क्या होता है, इसे लपटा हुआ क्वाइल होता है। तो जब हम इसको क्या करते हैं, चलो यहाँ पर दिया है तो 82 डिग्री से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर जब रखते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये इसका डीनेचुरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है, और ये इसके करीब क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन बंड जो है वो हाइड्रोजन बंधन टूट जाते हैं और ये अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, इसका विकुंडलन हो जाता है, ये अनकॉइल्ड हो जाएगा, इट अनकॉइल्स, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है, वेन कार्पेल इज अटैच टुगेदर विथ गाइनोशियम इट इज कॉल्ड, तो सीन कार्पस। क्या हो जाएगा, सीन कार्पस आंसर हो जाएगा, युक्तांडपि। चलिए अगला सवाल, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है, दाद रिंगवर जो है कवक के द्वारा, फंजाई के द्वारा होता है, उसके बाद में एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है, एड्स जो होता है, एड्स वायरस माने एचआईवी वायरस, तो उसका क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड एक कुंडली आरएनए, संख्या में दो होता है, दो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है एचआईवी में मेनली रेट्रो वायरस में पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल, निम्न में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो राइजोबियम स्यूडोमोनास ए और बी, क्योंकि चॉइस ए और बी दे दिया है यहाँ पर, इसीलिए ये चॉइस हो जाएगा, नहीं तो मुख्य रूप से राइजोबियम ही क्या है, नाइट्रोजन फिक्सर है।
लेकिन उसके साथ साथ स्यूडोमोनास की भी कुछ जातियां जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, फ्रैंकिया है एक, तो फ्रैंकिया जो है यहाँ पर जैव उर्वरक है, नाइट्रोजन जीवाणु समुदाय भी है, तो मेन अगर एक को चेकना है तो हम लोग क्या चेकेंगे, फ्रैंकिया जो है बायो फर्टिलाइजर है, चूँकि एंटीबायोटिक नहीं है, और चूँकि यहाँ पर बी और सी दे दिया है इसलिए बी होने से ये चॉइस दोनों ख़त्म हो जाएगा, अब बच गया ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया और बायो फर्टिलाइजर। तो एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया भी है जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसीलिए एक्यूरेट आंसर अगर हम लोग सही से सही आंसर चेकना चाहें तो बायो फर्टिलाइजर इसका होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है जीरोफाइटिक एडेप्टेशन जो है ए गेब अपुंसिया दोनों है, तो बोथ ए एंड बी ए गेब और नागफनी दोनों जो है क्या है, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। चलिए अगला सवाल है, सेल क्रमक होता है लिथोस्फेयर, तो लिथोस्फेयर जो है लाइफलेस और नेकेड रॉकी रीजन है, इसलिए ये चॉइस होने के कारण ये हम लोग का सही आंसर होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, इमैस्कुलेशन जो है इमैस्कुलेशन का यूज हम इमैस्कुलेशन क्या करते हैं कि किसी बाईसेक्सुअल फ्लावर में उसके एंथर को क्या कर देते हैं, एंथर को काट के हटाते हैं ताकि पोलन ग्रेन्स का कंटामिनेशन नहीं हो पाए। तो हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जब करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के दौरान हम लोग क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संकरण हाइब्रिडाइजेशन का संबंध इमैस्कुलेशन से है। नेक्स्ट सवाल, मिमिक्री की उपयोगिता है, मिमिक्री इज यूजफुल फॉर, मिमिक्री का मतलब होता है कि कोई जीव जो है दूसरे जीव के जैसा नकल तैयार करता है, जब कोई जीव दूसरे जीव के जैसा नकल तैयार करता है तो ये नकल क्यों तैयार करता है, अपने आप को छुपाने के लिए, कुछ लिजार्ड है, कुछ जीव है स्टिकल इंसेक्ट, ये जहाँ जिस वातावरण में रहता है वहाँ पर क्या करता है, उसी वातावरण के अनुसार अपना कलर या शेप चेंज कर लेता है ताकि उसके जो एनिमी है, शत्रु है, उसको ये पता नहीं लग पाता है कि वहाँ पर वो मौजूद है, वो और अपने आप को छिपा लेते हैं। तो छिपाने के लिए जो है कंसीलमेंट के लिए जो है क्या करता है, वो काम करता है, मिमिक्री करता है। चलिए अगला सवाल है, कवक मूल एक सहजीवी संघ है माइकोरिजा, तो माइकोरिजा जो है कवक मूल एक सहजीवी संघ है, किसके बीच, कवक और पौधे की जड़ों के बीच का एक संबंध है फंजाई। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी अगर जान जाते हैं, माइकोरिजा कवक का मतलब समझ गए, कवक अमूल मन क्या होता है, जड़ होता है ना, मूल मीन्स जड़ होता है, तो इसके हिंदी से इसका अर्थ बैठ जाता है। तो कवक और पौधे की जड़ों के बीच का संबंध कवक मूल माइकोरिजा कहलाता है, जो सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि पारस्परिक आश्रय होता है, म्यूचुअलिज्म अकर्स बिटवीन, देखिए इसमें म्यूचुअलिज्म
की बात की है तो ऐसे जितने भी इसमें च्वाइस दिए गए हैं सारे च्वाइस में जो है म्यूचुअलिज्म की घटना है, लेकिन अपने जो किताब अपना जो सिलेबस है उसके अनुसार बटरफ्लाई और मतलब तितली और फूलों के बीच मैंने कोई भी प्लांट्स और एनिमल के बीच का जो संबंध है वो ज़्यादा इसका जो है एक्यूरेट आंसर होता है। इसलिए हम तितली और फूल के बीच भी हम लगाए हैं, ये भी सही है। कोई लड़का कोई भी आंसर अगर चेक देता है तो उसका आंसर सही हो जाना चाहिए, कारण कि इसमें सभी क्या है म्यूचुअलिज्म का ही जो है क्या है एग्जाम्पल है। तो अगर इस क्वेश्चन को जो बच्चा टच किया होगा, अगर ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होगा, अपना एनसीईआरटी किताब भी इसको डील किया है, इसी को एग्जाम्पल बनाया है एनिमल और प्लांट्स के बीच को इवोल्यूशन की चर्चा करके, तो हम उसके आधार पर इसको हम मान रहे हैं। बाकी इसमें चारों च्वाइस क्या है म्यूचुअलिज्म का ही उदाहरण है। इसलिए मैंने मेरे ख्याल से अगर कोई बच्चा कोई भी अगर इसका च्वाइस करता है तो उसको नंबर मिलना चाहिए। चलिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान नीचे होता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच के मान जो है 5 से कम होना चाहिए ना, 5-6 से। तो इस च्वाइस के अनुसार ये आंसर हम लोग का यह हो जाएगा। चलिए अगला जो है फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग। चलिए तो फोटोकेमिकल स्मॉग में ओजोन जो है उसका मुख्य संघटक है। ओजोन क्या है मुख्य संघटक है, तो जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उसमें ओजोन, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कुछ हाइड्रोकार्बन्स वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स भी मिलके क्या बनाते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट आंसर ये ओजोन यहाँ लिखे जाने के कारण हम लोग इसको जो है च्वाइस बनाए हैं अपना। बाकी उसमें SO2, O3, पैन ये सब पाए जाते हैं, लेकिन पैन नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये सब होते हैं, लेकिन इसके कारण छट गया ये, फिर धुआं के कारण छट गया ये जो है, यहाँ CO2 के कारण छट गया। तो सबसे बढ़िया जो है हमारा कंस्टिट्यूएंट्स संगठन फोटोकेमिकल स्मोक का कौन मिल रहा है, O3, SO2 और हाइड्रोकार्बन्स। तो इसलिए आंसर हुआ डी आंसर हो गया। चलिए कहता है कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। कैपेसिटेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या होता है कि जब स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर प्रवेश करता है तो वो सक्षम हो जाता है ओवम के साथ फर्टिलाइज्ड होने के लिए, और यही कैपेसिटेशन की घटना ये जो है क्या करता है स्पर्म को ओवम के साथ फ्यूज करने के लिए क्या करता है कैपिटेंट बनाता है, उसके लायक बनाता है। इसलिए कैपेसिटेशन प्रोसेस जो है कहाँ होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक मादा जनन मार्ग में यही कैपेसिटेशन जो है स्पर्म को ओवम के साथ फ्यूज होने के लायक बना देता है। जब स्पर्म कहाँ जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तब चलिए नेक्स्ट सवाल, 70 को क्वेश्चन था। अब चलिए इस सारे सवाल को देखने से यही पता चला है कि 2022 का जो परीक्षा का जो सवाल है वो विद्यार्थी के फेवरेबल में नहीं है,
विद्यार्थी के फेवरेबल में ये सवाल नहीं बनाया गया है, सवाल को जो है बहुत हार्ड किया गया है। जो बच्चा एकदम डीपली जो है पढ़ा होगा, जो बच्चा एक एक सवाल को पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा, उसी से ये सवाल टोटल बन सकता है। बाकी जो हम लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, सभी बच्चे परीक्षा की तैयारी एक पैटर्न के आधार पर करते हैं, उस पैटर्न जो है इस साल थोड़ा धोखा दिया है। फिर भी जो बच्चे ध्यानपूर्वक अगर क्वेश्चन को देखे होंगे, पढ़े होंगे, उनसे बन ही गया होगा। लेकिन ये विद्यार्थी के हित में ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा किया है। जो इस साल जो कोरोना का जो पढ़ाई जो डिस्टर्ब हुआ, उसमें उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हम लोग एक बार 2018 में देखने को मिला था, लेकिन तब उस समय बच्चे की पढ़ाई होती थी, पूरे पूरे पढ़ाए गए थे, जो एक्टिव बच्चे थे वो कर लिए थे। लेकिन इस साल जो है रियली जो है थोड़ा पैटर्न से लीक से हट कर क्वेश्चन सेट हुआ है। तो आप लोग अपना अपना जो बनाए होंगे जितना नंबर आप चेक करके, आप इसमें कमेंट करके बताइएगा कि किसका कितना बना, किसका कितना कैसे हुआ। चलिए ठीक है, बस।